हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल लाइव टू लर्न एजुकेशन पॉइंट पे। मैं शिवम वर्मा आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों, मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रखा है, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन कितने तरह की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ हीट बेटा दो तरह की होती है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ये पांच तरह की होती है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड लास्ट वन वॉज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो बेटा अब हम लोग एक एक करके हर एक टाइप के केमिकल रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन श्योरली आने ही आने हैं, ठीक है। आज की क्लास में जो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, या आगे तक अब हम लोग जितना भी पढ़ेंगे वो सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक बेटा सिर्फ एक इंट्रोडक्शन चल रहा था चैप्टर का, ठीक है। आज से बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं आप लोगों की, तो आज की वीडियो भी आपको पूरी देखनी होगी, आने वाली वीडियोस भी पूरी देखनी है। इसके लिए बेटा आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाली सभी वीडियोस इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और बच्चों, अगर आप लोगों को हमारे चैनल पसंद आ रहा हो, ठीक है, तो हमारी वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें जितना ज्यादा हो सकता है, ठीक है, और सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और इस वीडियो को भी पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो देखो बोर्ड पे डेफिनेशन लिखी हुई है, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बेटा हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग, हमारी एवरी लाइफ में होने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। और देखो क्या होता है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड है ना, जिसको हम लोग चूना बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है, जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करते तो बेटा फॉर्मेशन होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Along with the release of heat, देखो कैल्शियम ऑक्साइड एक रिएक्टेंट, वाटर एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं बेटा। इसलिए क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और मैंने आपको जो भी बताया था, जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो सारी की सारी कैसे होती है, एक्सोथर्मिक होती है। व्हाई? बिकॉज हीट इज बीइंग रिलीज्ड हियर, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हीट रिलीज आउट हो रही है। बच्चों, अब आपको एक बोर्ड में स्टेटमेंट दिख रही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको जरूर अच्छे से आप लोग नोट कर लेना, मैं एक बार पढ़ देता हूं। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग द वॉल्स एज इट स्लोली रिएक्ट विद एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट एंड वॉटर। एंड आगे क्या लिखा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट प्रोवाइड शाइनी सर्फेस टू द वॉल। देखो बेटा, ये जो रिएक्शन है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ, ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा, इसको यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए, ठीक है, मतलब दीवारों की सफेदी करने के लिए, ठीक है। अब ये जो व्हाइट वॉशिंग के लिए क्यों किया जाता है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ स्लोली स्लोली रिएक्ट करता है और फॉर्मेशन होती है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट। दिस कैल्शियम कार्बोनेट प्रोवाइड्स शाइनी सरफेस टू वॉल, ठीक है ना। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये दीवारों को चमकदार बना देता है, आपकी दीवारें बोल उठती हैं। क्यों बोल उठती हैं? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट। फिर से एक बार समझो बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड एक सिंगल रिएक्टेंट, वॉटर एक सिंगल रिएक्टेंट, दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग द वॉल। व्हाई? बिकॉज़ इट रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड टू रिलीज कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। अब देखो बेटा कैसे रिएक्शन होती है, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर रिलीज आउट होता है। इसको बैलेंस कर लेना, अगर बैलेंस ना हो तो बैलेंस है वैसे, ठीक है। देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, शाइनी सरफेस प्रोवाइड करता है किसको, वॉल्स को। इसके अलावा एक और एग्जांपल है बेटा, ठीक है, कोल, बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। कोल बेटा क्या है, कार्बन की एक फॉर्म है, ऑक्सीजन की वजह से अगर हम इसको जलाते हैं
तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द रिलीज ऑफ हीट, ठीक है ना। तो कार्बन कोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द रिलीज ऑफ हीट। तो कोल मतलब कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या रिलीज आउट होती है, हीट रिलीज आउट होती है। तो ये बेटा कुछ एग्जाम्पल्स थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। बेटा आपके एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन भी है, एन एलिमेंट एक्स यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग द वॉल, ऐसे करके क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको एक बार क्वेश्चन को देखना और जो उसका आंसर है बेटा वो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, अच्छे से देखना उस क्वेश्चन को। समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर मैं कराऊंगा उसको। बेटा मेरे साथ में आप लोग एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना, ठीक है। तो जितने भी ये नोट्स होते हैं आप लोगों के सब एनसीईआरटी से ही होते हैं, सारी एनसीईआरटी की बातें होती हैं। और बेटा आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करना है। जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होगा मैथ्स का साइंस का कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल होगा हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अभी हम लोग एक सीरीज से चल रहे हैं, इसी सीरीज से आप लोगों को चलते रहना है ना। और धीरे धीरे करके जब सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे फिर आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल लाया जाएगा। और इवन साइंस के हर एक चैप्टर के फिनिश होने के बाद हम लोग प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। अगर आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो, आप लोग नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं बेटा, दोबारा से रिवाइज करना चैप्टर को, दोबारा से वीडियो को देखना, दोबारा से चैप्टर को पढ़ना, फिर दोबारा सॉल्व करना बेटा। एक चैप्टर जब तक कंप्लीट ना हो जाए आगे नहीं बढ़ना, आपको बस इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और बेटा अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, शेयर करो बेटा जितना हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब ना कराओ तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। आगे आने वाली सारी वीडियोस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके बच्चों, बाय।